हे हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री इंडल। कैसे आप? सो देखिए, ये पर्टिकुलर वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी फिलहाल सेकंड ईयर ऑफ बीएससी में है एंड जो आईआईटी जैन 2024 की तैयारी कर रहे हैं। सी आई एग्री, अभी आईआईटी जैन 2023 का क्रेज चल रहा है और हर जगह सिर्फ आईआईटी जैन 2023 की बातें हो रही हैं। बट ये वीडियो बनाने के पीछे का मेरा रीजन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जैन 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता है कि उनको टाइम लगता है पढ़ने के लिए। सी बेसिकली आप में से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइम के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट के चार महीने में भी अपनी प्रिपरेशन करके जैन क्वालिफाई कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको शायद कभी कभी एक साल लग जाता है प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि अगर आप आईटी जैम का सिलेबस देखो तो आईटी जैम के सिलेबस में ऑलमोस्ट इन एंड अराउंड 40-45 चैप्टर्स हैं। अब आपके बहुत सारे चैप्टर्स हो गए होंगे, आपको बहुत सारे चैप्टर्स आते होंगे। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जो स्टडी करने का तरीका होता है ना, बड़ा बड़ा स्लो होता है, लेकिन उनको एकदम बेसिक से पढ़ाना पड़ता है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 11-12 स्टैंडर्ड में अपने बेसिक्स को मिस कर दिया। तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो आईटी जैम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर आप अभी से हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप लोगों के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च कर रखा है। वैसे तो ये कोर्स काफी पहले हमने लॉन्च कर दिया था, काफी पहले हमने ये कोर्स जून जुलाई में हमने लॉन्च कर दिया था, बट अब मैं ये वीडियो बना के आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि विद टाइम लोगों का क्रेज बढ़ता है। लास्ट में लोग हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए कि सर चार महीने में हमें पढ़ा दीजिए, पांच महीने में हमें पढ़ा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, लास्ट मोमेंट की हसल नहीं करना चाहते, लास्ट मोमेंट में आप यहाँ वहाँ भागना नहीं चाहते, आपको एक ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो इस आईटी जैम 2024 के बैच में जिसका नाम है आरंभ 2.0। सो ये आरंभ 2.0 जो हमारा बैच है ये हमने ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है, ठीक है। ये दो साल का कोर्स था, बिकॉज हमने ये जून में लॉन्च किया था। जून 2022 से ये कोर्स स्टार्ट होगा और जून 2024 तक ये कोर्स चलने वाला है। नाउ ये जो कोर्स होगा इसका प्राइस जो है फिलहाल इसका प्राइस है 9,999 रुपीज। जितना आप लेट इस बैच को ज्वाइन करने की सोचोगे उतना आपको प्राइस कम मिलेगा। अभी सेंस हमने बहुत पहले कोर्स लॉन्च किया था तो स्टार्टिंग कोर्स का लॉन्च प्राइस जो था वो 12,000 था, फिर अब हमने इसको 10,000 कर दिया। अगर आप जनवरी में जुड़ने की कोशिश करोगे, आप सोचोगे सर मैं जनवरी से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा तो ये कोर्स और भी सस्ता हो जाएगा। अगर आप जाके बोलोगे नहीं सर मैं नेक्स्ट ईयर जाके 2023 के अक्टूबर में जुड़ूंगा आपसे, जैम 2024 से 5-6 महीने पहले जुड़ूंगा, तो हो सकता है आपको ये 5,000 में भी कोर्स उस समय मिल जाए। सो प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जैसे जैसे टाइम, जितना टाइम आप पहले लेते हो उतना आप, क्योंकि उसको उतना ज्यादा टाइम आपको मिल रहा है। सी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पर ये कोर्स को लॉन्च दे सकें, एंड वी आर ट्राइंग रियली बेस्ट। अगर इसलिए हमने ईएमआई का ऑप्शन भी रखा हुआ है। आई कैन अंडरस्टैंड कि एक साथ 10,000 या अमाउंट पे करना मुश्किल होता है, तो वी हैव गॉट एन ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल। आप ईएमआई ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की कोई जरूरत नहीं है उसको, उसके लिए आपको आपको सिर्फ जाना है, कोर्स ओपन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन आएगा। हमने बहुत अच्छी इंस्टॉलमेंट 833 रुपीज की इंस्टॉलमेंट कुछ रखी हुई है, 833 या 844 रुपीज की पर मंथ, आप आराम से पर मंथ पे रिलीज कर सकते हो अमाउंट को, ठीक है। सो ये सारे ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं फिलहाल। सी ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक्चुअली बहुत टाइम लेते हैं पढ़ने के लिए। देखो जो स्मार्ट बच्चा होता है वो लास्ट के दो महीने में पढ़ के भी जैम निकाल लेता है। कुछ बच्चे तो होते हैं जो एक महीने में सिर्फ टेस्ट मॉक टेस्ट देने चले जाएंगे उससे भी उनका जैम क्वालिफाई हो जाता है। हमको खुद को सोचना है कि हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। क्या आपको उतना कॉन्फिडेंस है कि लास्ट के तीन महीने प्रिपरेशन करने के बाद भी आप जैम क्वालिफाई कर सकते हो? फिर आपको कोर्स में एनरोल होने की जरूरत नहीं, आप इंतजार कीजिए जब प्राइस बहुत डाउन हो जाएगा, बहुत प्राइस गिर जाएगा, जब 3,000-4,000 प्राइस हो जाएगा तब आप ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं यार मुझे टाइम लगता है प्रिपेयर करने में, मुझे हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि हमने जितने भी कोर्सेज जितने भी चैप्टर इस कोर्स में डाले हुए हैं वो सब डिटेल से हैं। मतलब हमने 12 स्टैंडर्ड से उनको स्टार्ट किया हुआ। देखो अगर आपको चैप्टर की लिस्ट बताऊं, फिजिकल में कुछ 21 चैप्टर हैं छोटे मोटे सब मिला के, इनऑर्गेनिक में कुछ 11 चैप्टर्स हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं मिलाऊं तो कुछ 11-12 चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। ओवरऑल 45 चैप्टर्स हैं। अब देखो एक एक चैप्टर को आपको डिटेल से पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को आयनिक इक्विलिब्रियम ही पढ़ना हो, आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा है, ट्रस्ट मी बहुत बड़ा है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये जो कोर्स होगा 2.0 ये सिर्फ आपको जैम में मदद नहीं करेगा, इट विल नॉट ओनली हेल्प यू इन जैम। आपके जितने भी एमएससी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, जैसे मान लीजिए बीएचयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सीयूसीईटी का पेपर होता है, इस सबका सिलेबस भी इसमें मैक्सिमम कवर होगा। हाँ 80% सिलेबस आपको यहाँ से मिल जाएगा गेट का। अब आप बीएससी में हो, एमएससी में अगर करोगे तो गेट तो दोगे ही ना, 80% सिलेबस आपको यहाँ पे गेट का मिल जाएगा। और ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 80% सिलेबस जो है आपको वो नेट का भी यहाँ आपका कवर, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं एडवांस लेवल तक लेके जा रहे हैं, और जो भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हो वही नेट में भी आती है, वही गेट में भी आती है, वही जैम बीएचयू में भी आती है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 80% सिलेबस आपका कवर हो जाता है यहाँ पे टीआईएफआर का। देखो मैं ये प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि ये गेट का कोर्स है, कोर्स जैम के लिए है, सब कुछ जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा, एवरीथिंग विल बी जैम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन क्योंकि आप जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप गेट का पेपर भी दे सकते हो। 80% सिलेबस तो कॉमन है बॉस, 20% सिलेबस जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है, वो एमएससी लेवल का होता है या
थोड़ा एडवांस लेवल का होता है, वो आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो तो एमएससी में पढ़ाया जाता है, तो हम उसको जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर नहीं करने वाले। हम सिर्फ जैम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैक्सिमम चीजें कवर करवा देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां तक हो जाते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, और थ्योरी हमारा मेन फोकस है थ्योरी पे। हम आपको इतना बेहतरीन पढ़ा के देंगे यहाँ पे, इतना बेसिक से आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे, आपका जो बेसिक नॉलेज है वो आपकी बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ जैम नहीं देना चाहते, वो सिर्फ उनका बेसिक स्ट्रांग करना चाहते हैं, वो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं केमिस्ट्री। आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, ट्रस्ट मी यू ऑल पीपल कैन जॉइन अस। बहुत सारे वीडियोस हमने इस कोर्स के यूट्यूब पे भी अपलोड कर रखे हैं, एरोमेटिसिटी है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये सब हमने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। बहुत सारे वीडियो सॉलिड स्टेट के जो इस कोर्स के हैं वो यूट्यूब पे हमने फ्री में डाल रखे हैं, आप चाहिए तो वहाँ पे जाके एक डेमो के तौर पे देख सकते हो। जैसे एफ ब्लॉक आप देख सकते हो, मैंने एफ ब्लॉक पढ़ाया हुआ है पूरा फ्री में, वही कोर्स ऐप पे भी है, वही यूट्यूब पे भी है, वो फ्री में डाला हुआ है डेमो के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप चाहो तो एरोमेटिसिटी को भी ले सकते हो, आप एरोमेटिसिटी देख सकते हो। बहुत सारे वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे फ्री में भी डाले हुए हैं हमने, आप वहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि हम कैसा पढ़ा रहे होंगे। अगर मैं बताऊँ आज के टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दिस इज सितंबर गोइंग ऑन, 27 सितंबर है मेरे ख्याल से, उस समय 27 सितंबर 2022 मैंने इतने सारे कोर्सेस डाल चुका हूँ। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के देखो, फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक्स फॉर फिजिकल बेसिक्स ऑफ फॉर केमिस्ट्री, जहाँ पे हमने बेसिक चीजें पढ़ाई हुई है, बेसिक्स फॉर फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डाल दिया है। यहाँ पे फिजिक्स फॉर केमिस्ट्री जो है ना, यहाँ पे मैंने फिजिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए हुए हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको फिजिक्स से कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, फिजिक्स उनकी थोड़ी सी वीक होती है क्योंकि फिजिकल के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। फिजिकल एंड ऑर्गेनिक के बेसिक्स डाले हुए हैं, कुछ रैंडम वीडियोस हैं जिसमें आपको ऑर्बिटल वगैरह के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है। देन यहाँ से शुरू होता है मेन मोल कॉन्सेप्ट। अब देखो, वैसे तो मोल कॉन्सेप्ट आईटीजेएम के सिलेबस में नहीं है, बट हमने पर्पसली डाला हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं यार जिनका मोल कॉन्सेप्ट ही उनको नहीं आता है, उनको बेसिक चीज़ें होती है ना, यूनिट कन्वर्जन हो गया, एनर्जी के यूनिट कन्वर्जन हो गए, लेंथ के, वॉल्यूम के, फिर वो डाल्टन्स लॉ उनको नहीं आता है, या छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना मोल कॉन्सेप्ट के नहीं आते हैं, उन बच्चों के लिए हमने ये कोर्स डाला हुआ है। और ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे ये सारे वीडियो देखने के लिए आपको टाइम मिलेगा, जितना लेट आप ज्वाइन करोगे उतना आपके पास टाइम कम होगा। फिर आप वही करोगे सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, फिर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जाएंगे। अब देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर मैं आपसे बताऊं 32 वीडियोस हैं। अब अगर आप लास्ट के चार महीने में हमारे साथ जुड़ोगे तो 32 वीडियोस आयनिक के, 18 वीडियो केमिकल इक्विलिब्रियम के, 44 वीडियो सॉल्यूशन कॉलिगेटिव के, 39 वीडियो सॉलिड स्टेट्स के हैं। इतना देखने का आपके पास टाइम रहेगा क्या? तो जितना वो एक कहावत भी है ना, जो जितना जल्दी स्टार्ट करता है अर्ली बर्ड कैचेस फायर करके एक कहावत भी है, तो जितनी आप शुरू करोगे जल्दी उतना आपको बेनिफिट होगा। इसलिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे आपसे पैसा चाहिए, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आप जनवरी में ज्वाइन कर लो, आप अक्टूबर में ज्वाइन कर लो, चाहिए तो जैम के पेपर से 2 महीने पहले ज्वाइन कर लो अगर आपको इंटरेस्ट है ज्वाइन करने में। बट देन इट विल बी लाइक बहुत हेस्ट में होगा, बहुत जल्दबाजी में आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा। आपको पढ़ने का अभी जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे यहाँ पे 41 वीडियोस हो गए, अभी और वीडियोस यहाँ पे जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के 60 वीडियोस बनेंगे। 60 वीडियोस देखने के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए। अगर भाई खाना खाना है, खाने के बाद वो हजम भी तो होना चाहिए ना, आपको सिर्फ ठूसना नहीं है, खा ही नहीं जाना है। इतने सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अब तक मैंने डाल दिए हैं, 45 चैप्टर्स कवर करने हैं। सोचो न्यूक्लियर को कितना डिटेल में पढ़ाया होगा, काइनेटिक्स कितना डिटेल में हमने कवर करवाया होगा, काइनेटिक्स है, न्यूक्लियर है, केमिकल बॉन्डिंग है, एसिड बेस है, बायो एसएनपी ब्लॉक के वीडियोस देखने में ही 1 महीना चला जाता। सिर्फ देखना ही नहीं है, भगाना नहीं है, उनको समझना भी है। तो सी इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। पेरिसाइक्लिक बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है। अगर रिएजेंट्स को देखोगे, रिएजेंट्स के कुछ 30-40 वीडियो हैं, 30 के आसपास वीडियो हैं, रिएजेंट्स आपको कवर करना है। रिएजेंट्स मैंने शायद डाल दिया, नहीं डाला अभी तक, रिएजेंट्स नहीं डाला, पेरिसाइक्लिक नहीं डाला हुआ। ये सब धीरे धीरे मैं अपलोड करूंगा, वीडियोज रेडी हैं, चैप्टर्स रेडी हैं, एक साथ मैं नहीं डाल रहा हूँ। अब कुछ बच्चे ये भी कहेंगे सर आप एक साथ डाल दो, एक साथ डालने की प्रॉब्लम क्या होती है पता है? कोई बच्चा रिएजेंट देख रहा होगा, हाँ देखो रिएजेंट डाला हुआ है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट है, रिएजेंट के 25 वीडियोज हैं। कोई रिएजेंट देख रहा होगा, कोई पेरिसाइक्लिक देख रहा होगा, हम चाहते हैं कि आप एक सीक्वेंस फॉलो करो। तो वीडियोस हम अपलोड करेंगे अपने हिसाब से, आपके अच्छा एक और पॉइंट मैं बता दूंगा, आपके यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, आपके कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है, हम उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। हमारा मेन मकसद होगा आपको 2024 के लिए प्रिपेयर करवा के देना, आपको थ्योरी कॉन्टेंट देना, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाना, इतना थ्योरेटिकल पढ़ाना कि आपको उसके बाद कहीं डाउट नहीं आना चाहिए। डाउट सॉल्विंग टेलीग्राम पे हो सकती है, टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसमें क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो। वहाँ पे मैं टीचर्स या स्टूडेंट्स ही एक दूसरे को बहुत बार रिप्लाई दे देते हैं। हमारा आरंभ 1.0 जो चल रहा है उसमें स्टूडेंट्स ही एक दूसरे को रिप्लाई दे देते हैं, टीचर्स के रिप्लाई देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, अब आप सवाल पूछोगे कि कौन कौन पढ़ाने वाला है, कौन कौन टीचर्स हैं। जी देखिए 80% सिलेबस जो यहाँ पे होगा ना, 80% सिलेबस वो तो मैं खुद ले रहा हूँ ऑलमोस्ट। आप देखो सब जगह आपको मेरा नाम दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसके अंदर से जो मंजीत सर लेंगे, मंजीत धामा सर हमारे साथ पढ़ा रहे हैं, उनके वीडियोस आपको मिलेंगे। कुछ टॉपिक्स होंगे जो राजेश सर लेंगे, राजेश सर पढ़ा रहे हैं। कुछ टॉपिक्स होंगे जो श्वेता मैम करके हैं, उनके आपको मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट 20% सिलेबस जो है वो
अदर टीचर्स पढ़ाएंगे, और 80% सिलेबस जो होगा वो मैंने पढ़ाया हुआ है। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के भी उठाए हैं, मैक्सिमम फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस होगा वो मैंने कवर करवा के दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इस वीडियो में आपको बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर आप जैम 2024 के लिए जुड़ना चाहते हो, देखो लास्ट लास्ट मोमेंट पे आप भागोगे, यहाँ वहाँ स्ट्रगल करोगे, फिर यहाँ वहाँ जाके हैवी फीस भरोगे, फिर उसके बाद आपको लास्ट मोमेंट पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करके जाओगे, सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो कौन से हैं, वही कर लेते हैं, फिर वो मजा नहीं आता है यार। इट्स जस्ट लाइक कि बस किसी तरीके से सिलेबस उड़ा दिया है और किसी तरीके से बस रैंक लेके आना है। अगर अच्छे से पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है, आप हमारे साथ इस कोर्स में जुड़ सकते हो। अगर आप कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो EMI ऑप्शन यूज कर सकते हो। अगर कुछ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रॉब्लम में हो आप, लाइक बहुत ज्यादा कुछ तकलीफ है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, दैट इज chemistry_untold। आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। अगर मेरे पास कुछ सोल्यूशन होगा तो आई विल श्योरली हेल्प यू आउट, आई विल रियली हेल्प यू आउट विद दिस थिंग। कि अगर कुछ प्रॉब्लम है आपके पास ऐसी जो कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो हम आपको शायद हमारे पास अगर कुछ सजेशन या सोल्यूशन होंगे हम आपको वो दे सकते हैं। सीधे के सिलेबस अभी अगर आप ज्वाइन करते हो, इतना सब कुछ आपके पास पेंडिंग होगा जो आपको कवर करना है। कोई नया बैच नहीं लाया जाएगा, कोई नया बैच लॉन्च नहीं किया जाएगा, 2024 का यही एकमात्र बैच होगा। अब कोई भी बच्चा जो ज्वाइन होगा वो इसी बैच में ज्वाइन होगा, दूसरा कोई बैच या कोर्स ITJAM का 2024 का लॉन्च नहीं किया जाएगा। अब तुम सोचोगे क्यों सर, हमको तो नए से पढ़ना है, अरे क्या ही मतलब है, यही सारे वीडियो फिर से हम उसमें डालेंगे, फिर से आप इससे अच्छा इसी कोर्स में सब ज्वाइन करो और आप यहाँ से स्टार्ट करो। स्टार्ट कैसे करोगे, सबसे पहले नंबर 1 प्रायोरिटी ये होगी, नंबर 2 प्रायोरिटी ये होगी, नंबर 3 प्रायोरिटी ये होगी, नंबर 4 प्रायोरिटी ये होगी, नंबर 5 प्रायोरिटी ये होगी, नंबर 6 प्रायोरिटी ये होगी, नंबर 7 ये होगी, नंबर 8 ये होगी, नंबर 9 ये होगी, इसके बाद आपको जो देखना है देखो। तो ये सीक्वेंस है जो आपको फॉलो करना है। फिजिकल का हमने एक सीक्वेंस बनाया हुआ है, केमिकल के बाद ही आप आयनिक देखोगे, आयनिक के बाद ही आप फेज रूल देखोगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले ही फेज रूल हमने स्टार्ट कर दिया है। आप GOC1 देखोगे, GOC2 देखोगे, तभी पेरिसाइक्लिक और उसके बाद रिएजेंट स्टार्ट करोगे। पीरियोडिक के बाद ही आप एसिड बेस देखोगे, उसके बाद ही आप केमिकल बॉन्डिंग देखोगे। सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, और यही रीजन है कि हमने कुछ हद तक इस कोर्स में हम कोशिश करेंगे कि हम सीक्वेंस मेंटेन कर सकें। इसीलिए अगर आप आज भी ज्वाइन करते हो तो इतने सारे वीडियोस आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। सर मैं कोप अप कैसे करूंगा, मैं तो लेट हूँ। आप लेट कहाँ हुए, उल्टा आप तो जल्दी आ रहे हो। 2024 में शुरू करने से बेटर है, 2023 में शुरू करने से बेटर है आप अभी शुरू कर रहे हो। हाँ, बहुत सारे बच्चों से आप लेट हो चुके हो, लेकिन वो बच्चे शायद स्लो लर्नर थे इसलिए उन्होंने पहले ज्वाइन किया। अगर आप अभी ज्वाइन करते हो आपके पास ऑल एट ए मोमेंट इतने सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और जो नए वीडियोस हम डालते रहेंगे वो भी इसके अंदर आपको मिलते रहेंगे। तो आप अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, नोट्स वगैरह आपको अंदर ही मिलेंगे। अगर हमने PDF के फॉर्म में PPT पे पढ़ाया है, तो उसी का हम PDF कन्वर्ट करके आपको दे देते हैं, आप उसमें नोट्स बना सकते हो। अगर हमने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया है तो आपको अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। इसी देखिए, मैं बहुत फेकोलॉजी में बिलीव नहीं करता, बड़ी बड़ी बातें फेंकने में मुझे यकीन नहीं है कि हम आपको नोट्स भी देंगे, भैया हम पढ़ाएंगे। अगर हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे पढ़ाया हुआ है, जैसे अगर आप देखिए मोल कॉन्सेप्ट, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, केमिकल, आयनिक, फेज, जैसा मैंने स्क्रीन पे पढ़ाया हुआ है, उन सबकी PDF हमने दे रखी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो हमने स्क्रीन पे नहीं पढ़ाया, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये SNP ब्लॉक आप देखोगे, ये हम अब थर्मोडायनामिक्स जो हमने वो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है सर ने, ठीक है, मंजीत दामा सर ने, तो उसके आपको खुद के नोट्स बनाने पड़े। जितना खुद से लिखोगे, जितना खुद के नोट्स बनाओगे, उतना ज़्यादा दिमाग में प्रिंट हो जाएगा, उतना ज़्यादा याद रहेगा। बहुत सारे चैप्टर्स के PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, बीच में कोई टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलेगी, कोई टेस्ट सीरीज बीच में नहीं मिलेगी। लास्ट में मॉक टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे जब 2024 से पहले जब एग्जाम आएगा, उससे पहले 2023 के दिसंबर में या जनवरी में हम आपको मॉक टेस्ट देंगे। तब तक आप यहाँ से पढ़िए, अपने MCQ सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते जाइए, असाइनमेंट सॉल्व करते जाइए, उसी से आप अपने प्रिपरेशन कर पाओ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दे दी। अगर फिर भी आपको बहुत सारे डाउट हैं तो आप मुझे ऐप पर, जो हमारा ऐप है chemistry untold, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। आप chemistry untold के इंस्टाग्राम ID पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपके जितने भी डाउट्स होंगे मैं कोशिश करूँगा मैं आपको वहाँ पे बता सकूँ। सीधे कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो ज्वाइन करने में, अगर आप किसी को जानते हो तो प्लीज़ एटलीस्ट उसको ये सजेस्ट कर देना कि ऐसा कोई कोर्स है जो अभी से लॉन्च हो चुका है, एटलीस्ट उसके प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाए। देखो IIT मिले या ना मिले वो एक अलग बात है, एटलीस्ट NIT या एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा। और सी मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये कोर्स आपको कोई गारंटी नहीं देता आप IIT में पहुंच ही जाओगे, बट इतना मैं आपको कह देता हूँ, इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपका केमिस्ट्री के प्रति जो नजरिया है ना वो बदल जाए। ट्रस्ट मी, आपका केमिस्ट्री के लिए जो एक जो पॉइंट ऑफ व्यू था, आपके जो बेसिक्स थे, वो सब स्ट्रांग हो जाएंगे, नजरिया बदल जाएगा, और मे भी शायद आप केमिस्ट्री से प्यार भी करने लगोगे, इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ। IIT में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे नमूने भी मुझे मैसेज करके पूछते, सर आपका कोर्स ले लूंगा तो IIT में हो जाएगा क्या?
भाई वो तो डिपेंड करता है तुम 3 घंटे के पेपर में क्या लिख के आते हो। मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा फिर भी तुम जाके रॉन्ग आंसर टिक करके आओगे तो कैसे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अब मैं यहाँ पे कोर्स पे कोर्स डाले जा रहा हूँ, आप दिन भर यारी दोस्ती में ही घूम रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो सीरियसली, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो वो गारंटी मैं नहीं दे सकता। मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना, और इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाना कि आपको आइंदा आने वाली लाइफ में कभी इस टॉपिक पे डाउट ना हो। वो जिम्मेदारी मैं निभा सकता हूँ। प्रिपरेशन करना, डे टू डे डेली पढ़ाई करना, डेली कोर्स को कंप्लीट करना, नोट्स प्रॉपरली बनाना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, ये एक स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हायर एजुकेशन में वो टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अब मैं बड़ी बड़ी बातें करना पसंद नहीं करता, मैं थोड़ा डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट रहना बिलीव करता हूँ कि अगर पढ़ना है तो पढ़ाई पे ध्यान दो। आपको लेक्चर्स नो नॉनसेंस लेक्चर मिलेंगे, कोई बकवास की बातें नहीं होंगी लेक्चर्स में, कोई प्रवचन नहीं होगा, कोई मोटिवेशन नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई होगी। काम से काम रखना है, कहीं पर भी मैंने या किसी अदर टीचर ने मोटिवेशन या प्रवचन दिया मैंने उसको एडिट करके काट दिया, आपको सिर्फ लेक्चर देखने मिलेगा। तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, प्लीज डू शेयर दिस विद अदर स्टूडेंट्स जो आप लोगों के आसपास में हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दैट एटलीस्ट वो अपनी प्रिपरेशन टाइम से शुरू कर सके। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।